हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी चिली पनीर, वो भी ग्रेवी वाली, जिसे बच्चे, बूढ़े और हर एज के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रिपरेशन कर रखी है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम फ्रेश पनीर लिया हुआ है। यहाँ मैंने दो शिमला मिर्च ली हुई है, जिसे मैंने इस शेप में काट लिया है, ट्राइंगल शेप में। और यहाँ मैंने दो बड़े प्याज लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस करके इस तरीके से निकाल लिए हैं। और यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ मैंने तीन तरह के सॉस लिए हैं। ये है हमारा 1.5 चम्मच सोया सॉस, ये है हमारा 3 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस, और ये है हमारा 3 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस। ग्रीन चिली सॉस की जगह पर आप रेड चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कलर और भी अच्छा आता है। हमारे पास यही अवेलेबल था, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं। स्वाद अनुसार हमने यहाँ लिया है नमक, ये लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, आप यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लिया है हमने रेड चिली पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी बिल्कुल नहीं होती है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लोर, जिसके बिना हम बना नहीं सकते हैं इस रेसिपी को। तो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, जिसे हम दिखाएंगे कैसे यूज़ करना है। और गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ धनिया लिया है, और एक चीज़ है ये वाइट विनेगर, जो बिल्कुल ज़रा सा पड़ता है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वाइट विनेगर है। तो वाइट विनेगर हमने ज़रा सा यहाँ पर लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने जो पनीर लिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को डालेंगे। ये देखिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे ताकि पनीर में अच्छा हमारा कलर आए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ज़रा सा पानी डाल करके, बिल्कुल 1 चम्मच पानी, देखिए 1 चम्मच पानी लिया है हमने, सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी ले करके, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे पनीर पे जो कोटिंग है इस पर अच्छे से हो जाए। इसे आप हाथ से कर सकते हैं, अगर कॉर्नफ्लोर लगे कि कम है तो कॉर्नफ्लोर और डाल देंगे, जिससे ये क्रिस्पी ज़्यादा लगेगा आपको, तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर और डाल देंगे। और लाइए देखिए मैं इसे हाथ से कितने अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे फ्राई करेंगे, हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपने पनीर को डालेंगे। और इसको मीडियम आंच पे कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि पनीर जले ना। अब इसे धीरे धीरे करके हम लोग पलटते जाएंगे। और दोस्तों, आज हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। लोहे की कढ़ाई हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर होता है, क्योंकि इससे हमें आयरन मिलता है। तो मैं नॉन स्टिक को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, मैं आयरन को और पीतल को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। तो यहाँ पर हमने लोहे की कढ़ाई यूज़ किया है। तो ये देखिए हमें इसे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से लाल हो गए हैं। तो हम इसको इस स्टेज पे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपने सारे पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे पनीर को एकदम करारा निकाल लिया है, बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं ये। तो अब आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, और अब क्या करेंगे कि इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो तेल ऑलरेडी गर्म है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, और उसके बाद आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। तो हमें 1 मिनट हो गया है लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा प्याज है और ये शिमला मिर्च है, इन दोनों को एक साथ हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, बिल्कुल क्रंची रखना है, इसीलिए सिर्फ 5 मिनट इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे, ताकि हल्का हल्का बस इसमें कलर चेंज हो जाए। तो जब तक हमारा प्याज और शिमला मिर्च हमारा पक रहा है, तब तक आइए इसकी स्लरी बना लेते हैं। हमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनानी है। तो यहाँ हमने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल ये जो कॉर्नफ्लोर का जो घोल है बिल्कुल बनकर तैयार है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, ज़्यादा ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला।
तो दोस्तों हमारे प्याज और शिमला मिर्च को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया है। तो आइए अब इस स्टेज पर हम इसमें सारे सॉसों को सारी जितने भी सॉस हैं उसको मिलाएंगे। तो ये हमने 4 चम्मच जो टोमेटो सॉस लिया था इसको डाल देंगे अच्छे से। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, ये भी हमने 4 चम्मच लिया था इसको हम डाल देंगे। हमने 1.5 चम्मच सोया सॉस लिया था इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल देंगे बिल्कुल ज़रा सा, और अपने अपने आँच को हम इसमें मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसमें डाल देंगे ज़रा सा रेड चिली पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसको डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, इसको स्किप ना करिएगा दोस्तों, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी डाल दिया है मैंने लगभग 1 चम्मच। और अब इसमें नमक डाल देंगे, तो हम नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे सॉस में भी नमक होता है और हमने पनीर में भी नमक डाला है। और ये दोस्तों हम ग्रेवी वाली चिली पनीर बना रहे हैं तो इसमें हम पानी का भी यूज़ करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, तो हम ग्रेवी वाली पनीर बना रहे हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इतना पानी डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी बन जाए। तो पहले पानी डाल देंगे, अभी इसमें हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे और इस पानी में बॉईल आने देंगे। तो अब हमारा देखिए ये बॉईल होने लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें पनीर डाल देंगे, धीरे धीरे करके सारे पनीर को डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पे दोस्तों हम अपना कॉर्नफ्लोर एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे, कॉर्नफ्लोर को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो नीचे बैठ गया होगा ये फिर से घुल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने पनीर में इस कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना मिले। अब धीरे धीरे आपका जो चिली पनीर है वो बिल्कुल गाढ़ा होने लगेगा और इसमें अच्छा कलर भी आ गया है, देखिए बिल्कुल लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो देखिए दोस्तों हमारा चिली पनीर बिल्कुल तैयार है, आइए इसे आप सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बिल्कुल एकदम लजीज चिली पनीर बिल्कुल बनके तैयार है और इसे आइए हरे धनिया से इसे गार्निश कर देते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा लगेगा, खा के ज़रूर इसको बनाएं एक बार, और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे ये गारंटी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो हमें बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड बाय बाय।